हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गुप्ता नित्या मोम्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए नई रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से पनीर की सब्जी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आइए दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में एक चम्मच तेल ले लिया है। गैस की फ्लेम को यहाँ मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मैंने इसमें एक बड़ी प्याज डाल दी है, जिसको मैंने लंबा लंबा चॉप्ड कर लिया है। रफली मतलब हम इसे चॉप्ड कर लेंगे। इसमें मैंने 2 से 3 छोटे टमाटर थे, एकदम ज़्यादा मीडियम साइज़ के नहीं थे, वो मैंने ले लिए हैं। उन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया। और एक ऐसी मैंने हरी मिर्ची ले ली है, और थोड़े से यहाँ मैंने खड़े गरम मसाले ले लिए, जैसे कि 2 से 3 तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इसमें थोड़ा सा हमने तेल में सेक कर थोड़ा सा इसमें नमक डाल दें। नमक से क्या है, ये जल्दी से सेक जाएंगे, जो हमारे प्याज और टमाटर हैं वो सीज जाएंगे तेल में, इसलिए मैंने थोड़ा वो ले लिया, नमक डाल दिया है। थोड़े से यहाँ पे मैंने काजू ले लिया, और काजू के साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, मतलब आधा कप से थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है, क्योंकि ये बहुत कम तेल में दोस्तों हम बना रहे हैं, इसलिए अब इसको हम थोड़ा सा इसी तरीके से पानी में उबाल लेंगे, ताकि जो प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से उबल जाए पानी में, इनमें ज़रा भी कच्चापन ना रहे। ये देखिए, इसी तरीके से हम इन्हें बार बार ढककर उबाल लेंगे, तो ये आसानी से उबल जाएंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं कि दोस्तों, ये जो प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे से उबल गए। आप देख, प्याज का जो कलर है बिल्कुल ये ट्रांसपेरेंट हो गई, और टमाटर भी जो है वो हमारे अच्छी तरीके से कच्चापन इनमें बिल्कुल नहीं रहा है। अब इनको हमें अच्छी तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। प्यूरी बनाने के बाद दोस्तों, यहाँ पर मैंने सेम कढ़ाई में 1 चम्मच बटर और वही 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है। इसको थोड़ा सा हम पिघलने देंगे। बटर जैसे ही थोड़ा पिघल जाएगा, इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है 1/2 चम्मच जितनी, और उसको इसी बटर में सेकेंगे। उसके बाद जो हमने प्यूरी तैयार की थी प्याज और टमाटर की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। गैस की फ्लेम को दोस्तों यहाँ मैंने मीडियम भी नहीं किया हुआ है, इसको हम इसी तरीके से चलाते रहेंगे। और जिस कटोरी से दोस्तों या मिक्सी के जार में थोड़ा सा जो ग्रेवी का जो पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, मैंने कटोरी में प्यूरी कर ली थी। उसके बाद दोस्तों, मैंने थोड़ा सा इसमें उसी सेम कटोरी से पानी भी मैंने ये देखिए इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। अगर आपको नमक लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नमक ऐड करना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड भी कर सकते हैं। अब इसमें हम थोड़े घर के कुछ मसाले ऐड करेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने मिर्ची पाउडर ऐड किया, और थोड़ा सा यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छी तरीके से हमें चलाना है और इन्हें सेकना है, जब तक कि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से सेक ना जाए, तब तक हम इनको अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे। ग्रेवी को, वैसे ग्रेवी जो है दोस्तों हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और गैस पर रखेंगे, ताकि जो हमने इसमें मसाले मिक्स किए वो भी अच्छे से इसमें सेक जाए और ज़रा भी कच्चापन ना रहे। इसलिए इसको हम ढककर रख देंगे लगभग 1 मिनट से कम टाइम के लिए, मतलब कुछ सेकंड के लिए हमें इसे रख देना है। जैसे ही थोड़ी सी इसमें उबाल आने लगेगी, ग्रेवी जो है वो हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं एकदम, ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से इसको थोड़ा सा हम और चला लेंगे, ताकि ये अच्छे से और हो जाए। ग्रेवी लगभग बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही आसान दोस्तों ये पनीर की रेसिपी है। इसके साथ मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच या मलाई डाल दी है। मलाई की जगह अगर आप चाहें दही या क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं, और अगर दही लें तो एकदम फ्रेश दही का आप यूज़ करें। जब भी मलाई, दही या क्रीम लेते हैं, तो आप गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें या बंद कर लें तब डालें, तो इससे क्या दही या मलाई या जो भी आप डालें वो फटेगा नहीं बिल्कुल भी, और ये अच्छा टेक्सचर इसमें आ जाएगा। आप देख सकते हैं जो ग्रेवी है हमारी पनीर के लिए वो एकदम अच्छी से तैयार हो गई। अब इसमें मैंने पनीर ऐड कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पनीर को सेक कर भी ऐड कर सकते हैं। इसको पनीर को मैंने नॉर्मली कच्चा डाला है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो मटर भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। ये देखिए दोस्तों, हमारा क्रीमी एकदम पनीर बनकर तैयार हो गया है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगता है। आप इसे राइस, रोटी किसी के साथ भी लें, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है। लंच बॉक्स में भी आप रख सकते हैं, ऑफिस के लिए भी आप रख सकते हैं, इवन बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भी आप इसे रख सकते हैं। बिल्कुल स्पाइसी नहीं है और खाने में बहुत टेस्टी, इसका जो स्वाद है एकदम क्रीमी आता है।
एक बार दोस्तों आप ज़रूर बनाएं इस तरीके से, आपको ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हरा धनिया डाल दिया है और इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप देखिए दोस्तों, हमारा जो पनीर है वो बनकर तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाता है ये। अगर दोस्तों आपको ये सही लगी हो मेरी पनीर की रेसिपी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये देखिए दोस्तों, हमारा पनीर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक करें, शेयर करें नित्या मॉम्स किचन को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली रेसिपी में, तब तक इस पनीर की सिंपल सी रेसिपी को एंजॉय कीजिए जो कि 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।